का इन्होंने रेवेन्यू करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम पर रखा सबसे जल्दी। और ये पिछली दफा आए थे तो यहाँ पे आकर के कॉन्टेस्ट छोटा सा हुआ था, छोटे से कॉन्टेस्ट को उन्होंने ऐसे फूक मार के जीत लिया जिसका नाम था बुलेट राजा। ऐसे दुक 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 करते हुए यहीं से चलाते हुए चले गए थे। पर इनकी पता खास बात क्या गाइस एवरीबॉडी, इनकी खास बात ये केवल ये ग्रुप खुद नहीं किए हैं, इन्होंने लखपति 60 आईबीसी अपने साथ में मिलकर बनाए। नारायण अगली बार मत आना, आपका वीडियो नहीं बनाऊंगा, इतने वीडियो बना चुका हूँ आपके साथ में, कितनी तारीफ करूँ आपकी नारायण। बस मेरे को एक ही फायदा होता है इनका वीडियो बनाने में कि नारायण 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 बोल बोल के हमारे पाप कटते रहते हैं। तो आप भी बोलिए नारायण नारायण, क्या बोलिए नारायण नारायण। इनका मिशन है 1000 आईबीसी की मदद करना। नारायण आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू एंड आई लव यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव डन जस्ट वंडरफुल जॉब यार। और सब लोग आपको मैं बोल रहा हूँ आपको पाप लगेगा अगर आपने बधाई नहीं दी, ऐसे बोलिए नारायण आपको बहुत बधाई, थैंक यू वेरी मच एंड कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। ओके तो कितने सारे लोग चाहते हैं नारायण 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 नारायण, जल्दी चैट बॉक्स में लिख दीजिए नारायण नारायण बोलने से तो पाप कम हो जाएंगे। आपको नई नई चीजें आपको मिलने वाली है, कौन कौन मिलने वाले हैं, चाहते हैं डॉक्टर विवेक बिंदा जी के वन एंड ओनली सबसे फास्टेस्ट बुलेट राजा और जितने भी अवार्ड आए थे भाई साहब बाई डिफॉल्ट उन्होंने विन कर लिए, उनसे आज आपको सीखने को मौका मिलने वाला है। पुरित कुमार जी, दुष्यंत जी, अनुराग ओझा जी, चाहते हैं आप उनसे मिलना तो जल्दी से चैट बॉक्स में नारायण 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 चैट बॉक्स को भर दीजिए ताकि उनको भी लगे कि वाकई भाई साहब उनकी लिए जो लोग है वो वाकई उनसे तत्पर है मिलने के लिए। ओके तो मैं उनको बुलाने वाला हूं जिनका नाम है वन एंड ओनली नारायण सर, लेकिन उनके लिए कुछ एक खास शब्द मैं आपको बुला देता हूं। यकीन नहीं अगर तुझे तो आजमा कर देख ले, एक बार तू जरा मुस्कुरा कर देख ले, जो ना सोचा होगा तूने वो भी तुझको मिलेगा, बस एक बार नारायण सर का ये इवेंट जो हो रहा है उसमें आकर के एक घंटा बिता कर देख ले। तो नारायण सर आपको मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है? यस, थैंक यू सो मच मुकेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू फॉर दिस वार्म वेलकम। मुकेश सर आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर सर, वेलकम है सर। अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर, आप विजिबल। थैंक यू सो मच मुकेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नमस्कार आप सभी को, मैं नारायण सिंह, नवरत्न आईबीसी बड़ा बिजनेस, स्वागत करता हूँ आप सबका आज के हमारे इस वेबिनार में। क्या आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मेरा नाम नारायण सिंह है और मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हूँ और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आज के हमारे इस डिजिटल वेबिनार में, जहां पर आज हम करने वाले हैं आईबीसी की बात, एक ऐसे मॉडल की बात करने वाले हैं जिस मॉडल ने पूरे भारत में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर के मिजोरम तक धूम मचा के रखी हुई है। क्या है ऐसा आईबीसी मॉडल कि जिसके लिए लोग आते हैं, सीखते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, विवेक सर के साथ पार्टनरशिप करते हैं, उनका बिजनेस करते हैं, क्या है ये आईबीसी मॉडल? इन सारे आईबीसी मॉडल की आज हम करने वाले हैं बात। तो ये जो वेबिनार है मैं अगले एक घंटे आपके साथ रहूंगा। कितने लोग अपना एक घंटा देने के लिए तैयार है? क्योंकि आज हम कुछ प्रेजेंटेशन के माध्यम से ट्रेनिंग करेंगे, उसके साथ साथ मैं आपको मिलवाऊंगा कुछ आज ऐसे लोगों से जिनसे आप पर्सनली सवाल पूछ सकते हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि कैसे इस काम को शुरू कर सकते हैं, उन्होंने कैसे इस काम को शुरू किया, ये सारी चीजें आज सॉरी एक एक करके आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है? ओके ओके, तो आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मेरे बारे में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने बताया और ये वीडियो थोड़ा सा पुराना था, जो वीडियो में टर्नओवर बताया गया वो लगभग 3.25 करोड़ का बताया गया और मैं आपको बताऊं 4.25 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है, 4.25 करोड़ का टर्नओवर हमने कर दिया है और इसी महीने 5 करोड़ का टर्नओवर हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। मेरे को बड़ा बिजनेस में 14 महीने हो चुके हैं, 15वां महीना मेरा चल रहा है और मैं आपको शेयर करूंगा अपनी जर्नी भी बीच बीच में कि कैसे बड़ा बिजनेस हेल्प करती है लोगों को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने। ठीक है? कितने लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइम पहली बार इस सेशन में आ रहे हैं? ओके, फर्स्ट टाइम कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इस सेशन में आ रहे हैं? फटाफट यस टाइप कर दीजिए अगर आप पहली बार इस सेशन में आ रहे हैं। ओके 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 ओके, काफी सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इस सेशन पे आए हुए हैं। ओके, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अगर आप पहली बार इस सेशन में आए हैं तो आपको क्या करना है, जिस व्यक्ति ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है
जिस व्यक्ति ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेकर के उस व्यक्ति को स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए और मुझे ओके लिख दीजिए। जिस व्यक्ति ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है, स्क्रीनशॉट लीजिए और उनको लिंक स्क्रीनशॉट लेकर के उनको व्हाट्सअप कर दीजिए और मुझे ओके लिख दीजिए। फिर हम करते हैं इस आईबीसी मॉडल की बात कि कैसे कर सकते हैं आईबीसी में शुरुआत। फटाफट स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए और स्क्रीनशॉट शेयर करके मुझे ओके लिख दीजिए। मेरे साथ 950 लोग हो चुके हैं और आप फटाफट स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, मुझे ओके लिख दीजिए। फिर हम करने वाले हैं इस आईबीसी मॉडल की बात कि कैसे कर सकते हैं आप आईबीसी की शुरुआत। स्क्रीनशॉट इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि उनको पता चल जाए आप इस सेशन में हैं। इन केस अगर आपको कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई तो बाद में वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दें। तो आपको करना है सिर्फ एक ही काम, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर के जिस व्यक्ति ने मीटिंग का लिंक दिया था उनको व्हाट्सअप कर दीजिए और मुझे ओके लिख दीजिए। जैसे ही मुझे सारे ओके आ जाएंगे हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे। ओके 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 ओके। तो ये जो सेशन मैं आपके साथ अगले एक घंटे करने वाला हूं, इसको ना थोड़ा सा ऐसा कहते हैं ना, दो चीज केशव जी, दो चीज करण जी तभी काम करती है जब पूरी तरीके से खुली होती है। पहला तो पैराशूट जब खुला होता है तभी वो काम का होता है। उसी तरह सेम आपका दिमाग भी होता है, जब खुला होता है ना तब पूरी तरीके से काम करता है। कई बार लोग सोच लेते हैं यार ये भी एमएलएम की तरह, मैं पहले बता दूं ये कोई एमएलएम नहीं है, ये कोई मेंबर बनाने का काम नहीं, ये कोई जोड़ने का काम नहीं, ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं, ये कोई स्कीम बनाने वाला काम नहीं है, ये कोई मेंबर बनाने वाला काम, ये जेन्युइन बिजनेस है। इसको खुले दिमाग से आप समझेंगे तो आपको पहली बार में सारी चीजें एक एक करके समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बड़ा बिजनेस। बड़ा बिजनेस आप किसके माध्यम से समझ रहे हैं? बड़ा बिजनेस आप समझ रहे हैं टीम अश्विनी दाने के माध्यम से। आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी विवेक है, राइट हैंड साइड में भी विवेक है। इन दोनों के बीच में जो है उनका नाम है अश्विनी दाने, वो टीम अश्विनी दाने के फाउंडर मेंबर है। और ये सबसे पहले एज आईबीसी जर्नी स्टार्ट किया, उसके बाद आज सीपी चैनल पार्टनर है, आज ये 10 जगह के चैनल पार्टनर है और हजारों आईबीसी को हेल्प कर चुके हैं, उनको इनकम करा चुके हैं लाख रुपए से ज्यादा की। और आज पूरे भारत में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल पार्टनर और बेस्ट लीडरशिप इन बड़ा बिजनेस का अवार्ड अश्विनी दाने जी को मिल चुका है, जिनके माध्यम से आज आप इस वेबिनार में आए। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं किनके माध्यम से वेबिनार में आए थे। आप आए हैं टीम अश्विनी दाने के माध्यम। ठीक है, जिस व्यक्ति ने आपको व्हाट्सअप किया टीम अश्विनी दाने के पर्सन, जिस व्यक्ति ने आपको मीटिंग का लिंक दिया जिन अश्विनी दाने के टीम के पर्सन है, उनके थ्रू आप इस बड़ा बिजनेस की जर्नी अपनी स्टार्ट करने वाले। अब थोड़ा सा हम समझते हैं, सबसे पहले क्या समझते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि आईबीसी ज्वाइन करना वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले समझते हैं पर कैपिटल आज हमारे देश में लोगों की इनकम की स्थिति क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, आज हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम की अगर बात करें तो 12,500 रुपए इनकम, 12,500 रुपए पर कैपिटल इनकम है। 15% लोग हैं जो 25,000 रुपए महीना अर्न कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 15%। 35 लाख लोग हैं जो 1 लाख रुपए महीना अर्न कर रहे हैं, और 1 लाख लोग ही हैं जो 10 लाख रुपए महीना अर्न कर रहे हैं, वो भी वो लोग का डेटा है जो आईटीआर फाइल करते हैं। ये डेटा उन लोगों का है जो आईटीआर फाइल करते हैं, क्योंकि हमारे देश में 4 करोड़ लोग ही हैं जो आईटीआर फाइल करते हैं। आप सोचो 140 करोड़ की आबादी का देश है और मात्र कितने लोग आईटीआर फाइल करते हैं, 4 करोड़ लोग, और उसमें भी पता आपको 1,80,00,000 लोग नील का आईटीआर फाइल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1,20,00,000 लोग ही टैक्स देते हैं। तो इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपको मौका मिले, अगर आपको मौका मिले श्याम सुंदर जी, तो ज्यादा से ज्यादा महीने की कितनी इनकम आप करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना करना चाहते हैं, बड़े से बड़ा कितना सोचना है, बड़े से बड़ा कितना करना है, फटाफट एक बार चैट में टाइप करके बताइए। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हमेशा बोलते हैं कि आदमी उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है, आदमी उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। तो आज मैं आपको बड़ा सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं कि भैया सबसे पहले बड़ा सोचो कि कितना, बड़े से बड़ा कितना करना है, कितनी ज्यादा से ज्यादा इनकम आपको करनी है। अगर आपको मौका मिले काम करने का, मौका मिले जितना आप चाहो उतना कमाने का, तो कितना इनकम आप करना चाहते हो, फटाफट चैट बॉक्स में टाइप कर दो, फटाफट चैट बॉक्स में टाइप कर दिए। मैं जानना चाहता हूं कि आप कितनी इनकम करना चाहते। ओके ओके ओके, किसी ने लिखा है 5 लाख, 10 लाख, ओके ओके, 50 लाख, ओके। देखो बड़ा सोचने में कोई टैक्स तो नहीं है ना हरवीर जी, बड़ा सोचने में तो किसी ने रोक के नहीं रखा हुआ ना,
नहीं नहीं सर, बड़ा सोचने में रोक के रखा हुआ पड़ोसी ने। आप अगर बाहर जाके सोचेंगे मेरे को बड़ा सोचना है, तो पता क्या बोलेंगे, भैया इतना बड़ा नहीं सोचते, जितनी चादर है ना उतना ही पैर फैलाते हैं, क्योंकि पैटर्न पुराने बने हुए हैं। ठीक है, ओके 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 ओके। संदीप जी का कहना है 25 करोड़, 3 करोड़। ओके, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं आप सबसे एक कॉमन सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या मेरे को आप बता सकते हैं कि आगरे का जो ताजमहल है वो कितनी बार बना था? आगरा में जो ताजमहल बना हुआ है, बहुत सारे लोग यूपी से होंगे, बहुत सारे लोग, कुछ लोग आगरा से भी होंगे, तो आगरे का जो ताजमहल है वो कितनी बार बना था? ओके 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 ओके, एक बार एक बार एक बार एक बार, ओके। आगरे का ताजमहल कितनी बार बना था? एक बार बना था, एक बार बना था, एक बार बना था। ओके ओके ओके, आगरे का जो ताजमहल है कितने लोगों का कहना है एक बार बना था? वन एंड ओनली, ओके ओके ओके, एक बार बना है। देखो मैं आपको आज बताने वाला हूं, आप आईबीसी बनिएगा नहीं बनिएगा, लेकिन जो कुछ लर्निंग मैं आज आपको यहां पे देने वाला हूं, अगर आप लेके जाएंगे तो आप जिस भी फील्ड में है उसमें आपकी ग्रोथ हो। अगर आप आईबीसी नहीं भी करते हैं तो भी आपको ये चीजें आपके लाइफ में बहुत काम आने वाली। तो सबसे पहले राघवेंद्र जी, आपका कहना बिल्कुल सही है सर, हर चीज एक बार बनती है। मैं भी यही समझता था, मैं भी 15 महीने पहले मैं भी यही समझता था कि भाई साहब हर चीज क्या होती है, एक बार बनती है। लेकिन अमरजीत जी, यहां आने के बाद मुझे पता चला, गोविंद लाल जी यहां आने के बाद, राजेंद्र यादव जी, मुझे पता चला कि दुनिया में कोई भी चीज जो होती है वो 3 बार में बनती है। कितनी बार में बनती है सर? 3 बार में बनती है। पहली बार कहां बनती है? पहली बार बनती है पंकज कुमार जी दिमाग में, बिल्कुल सही कहा आपने। पहली बार पंकज जी बनती दिमाग में, और दूसरी बार बनती सर पेपर में, और तीसरी बार बनती सर हकीकत में। तो आपको मैं बड़ा सोचने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब तक आप पहली पिक्चर दिमाग में नहीं बसाएंगे तब तक वो पेपर में नहीं होगी, और जब तक पेपर में नहीं होगी तब तक वो रियल में नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप इसको कौन सी भी, कोई सी भी कैटेगरी में आ रहे हो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जाना कहां चाहते। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में। आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को हो सकता है फेसबुक में देखा हो, इंस्टाग्राम में देखा हो, यूट्यूब में देखा हो। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार विवेक बिंद्रा जी एक यूट्यूबर है या मोटिवेशनल स्पीकर है। मैं आपको बताऊं, विवेक बिंद्रा जी इससे भी बढ़कर है। क्या है वो थोड़ा सा समझते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी बिजनेस कोच है। बिजनेस कोच का मतलब क्या होता है? जो लोगों को बिजनेस सिखाने में हेल्प करते हैं, सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे सिखाते, और 1500 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज को सिखा चुके हैं, ट्रेनिंग दे चुके हैं, उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा चुके हैं। उसके बाद जो बड़े बड़े बिजनेसेस को चलाते हैं, उस बिजनेस में सीईओज रहते हैं जो बिजनेस को चलाते हैं, उन सीईओज को, सीईओज के कोच हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। और उसके साथ साथ इन्होंने 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के लिए बनाए। कितने बनाए? 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें से 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं और 2 गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड हैं। 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने बनाए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिनके साथ आप आने वाले हैं वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने क्या क्या किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले बड़ा बिजनेस। बड़ा बिजनेस क्या है? बड़ा बिजनेस जो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कंपनी है, और ये भारत की एक एडुटेक कंपनी है। एडुटेक कंपनी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन देने का जो काम कंपनियां करती हैं उनको हम एडुटेक कंपनी बोलते हैं। एडुटेक मतलब जो लोगों को बिजनेस, जो लोगों को एजुकेशन दे रही टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ऑनलाइन लर्निंग इसको बोल सकते हैं। अब ये जो बड़ा बिजनेस है इस पे 2 तरह के लोग आते हैं। पहले लोग आते हैं जो सीखने के लिए आते हैं कि सर मुझे सीखना है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, सर मुझे सीखना है कि मैं अपने जॉब में प्रमोशन कैसे लूं, सर मुझे सीखना है कि मैं अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं, सर मुझे सीखना है कि मैं अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाऊं, सर मुझे सीखना है कि मैं अपनी 1 दुकान से 10 दुकान कैसे लेके जाऊं। तो लोग यहां पर आते हैं अपने करियर ग्रोथ के लिए, पहले लोग आते हैं। दूसरे लोग आते हैं जो अपनी इनकम ग्रोथ के लिए आते हैं कि भैया मुझे इनकम करनी है विवेक बिंद्रा जी के साथ आकर के, विवेक बिंद्रा जी के साथ बिजनेस करके मुझे इनकम करनी है। 2 तरह के लोग जो है यहां पर बड़ा बिजनेस में आते हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि बड़ा बिजनेस का पर्पस क्या है, बड़ा बिजनेस का पर्पस क्या है। तो जो बड़ा बिजनेस का पर्पस है वो हमारा मिशन है कि लोगों को, भारत के एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करना। मैं इसके लिए आपको आसान भाषा में समझने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं, डायरेक्ट डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से ही सुनते हैं
कि भैया उनकी जो कंपनी है बड़ा बिजनेस, उसका विजन क्या है, उनका पर्पस क्या है जिसके लिए उन्होंने कंपनी बनाई है। इस वीडियो को आप ध्यान से समझिएगा, आपको जस्ट मिनट, इस वीडियो को आप ध्यान से समझिएगा। अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि भैया बिंद्रा जी का पर्पस क्या है, और आपको ये प्रेजेंटेशन पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, 75% आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ये वीडियो को देखते। तो इस वीडियो को आप ध्यान से समझिएगा। बिजनेस कोच, आज थोड़ा कैजुअली मन में आया कि मैं अपने इस मिशन में आप लोगों को जोड़ूं। और आप जानते हैं मेरा मिशन है, हमारे देश में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर तैयार करना, हमारे देश में पावरफुल कॉर्पोरेट लीडर्स, बिजनेस लीडर्स तैयार करना। आज दुनिया भर की सबसे महंगी बिजनेस लीडरशिप एंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट MBA की पढ़ाई जो चंद कॉलेजेस की बपौती बन गई है, मैं उसको फ्री ऑनलाइन ई लर्निंग यूनिवर्सिटी और यूट्यूब यूनिवर्सिटी जो मैंने बनाई है उसके थ्रू पहुंचाना चाहता हूं। मेरा मानना ऐसा है कि भागलपुर के गांव के गरीब बच्चे को अंबानी, अडानी, डालमिया, सिंघानिया, बर्मन, जिंदल, मुंजाल, गोयनका, मोदी, मित्तल, टाटा, बिरला, इनके बच्चों के बराबर खड़ा कर दूं। मेरा मानना है हमारे देश के गरीब लड़के को अंबानी के बेटे के बराबर एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे तो कम से कम खड़ा कर दूं। एजुकेशन की कमी के कारण वो बिजनेस ना कर पाए या जॉब ना मिल पाए, कम से कम इससे मैं उसको बाहर निकालना चाहता हूं। ये मेरा, मैं इस मिशन में अपनी जान को झोंक रहा हूं, अपने आप को झोंक रहा हूं। मैं चाहता हूं, आज हमारी टीम बहुत बड़ी हो गई है, क्या आप भी मेरे इस मिशन में एक सेनापति बनके मेरा साथ देना चाहेंगे? खुशखबरी यह है कि आपके पास एक मौका है, आपकी अपनी लर्निंग ग्रोथ की एक अपॉर्चुनिटी है, और देश की लर्निंग और ग्रोथ बढ़ा सकें, उस मिशन में हमारे को ज्वाइन कर सकें, यह भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरे साथ चल के Tier 2, Tier 3 सिटी, छोटे टाउन, शहर, गांव, तालुका के एक एक लड़के को उठा के तैयार करेंगे हम, अपने देश में पावरफुल ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, शक्तिशाली। ओके, कितने लोगों को क्लियर हुआ कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का मिशन क्या है? कितने लोगों को क्लियर हो गया कि भैया डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की जो कंपनी है वो, उसका मिशन क्या है? कितने लोगों को क्लियर हो गया? फटाफट यस टाइप कर दिए जितने लोगों को क्लियर हो गया, क्योंकि यहीं से हमारी शुरुआत होती है। और आपको, आपको सबसे पहले ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हमारी कंपनी का विजन क्या है, हमारी कंपनी का पर्पस क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होना। कितने लोगों को क्लियर हो गया? ओके। कुछ लोगों को नहीं क्लियर हुआ होगा, जिनको नहीं क्लियर होगा कोई बात नहीं, मैं आपको आराम से भी क्लियर करता हूं कि हमारी कंपनी का विजन क्या है। पहले कितने लोगों को क्लियर हो गया फटाफट टाइप कर दीजिए। ओके। ओके, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमारी कंपनी का जो पर्पस है, सबसे पहले उसको समझते हैं। हमारी कंपनी का पर्पस है कि लोगों को बिजनेस सिखाना। देखिए, आज एक बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर 40 साल का आदमी आज अगर बिजनेस सीखना चाहे, वह करना चाहे, तो उसके पास ऐसी कौन सी जगह है जहां पे जाकर के वो बिजनेस सीख सकते, शायद नहीं है। लेकिन आपके लिए बड़ा बिजनेस है जहां पर आप जाकर के बिजनेस सीख सकते हैं। आप किसी भी एज के हो, आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, आप कॉलेज में हो, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस करना चाहते हैं, आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कि भैया बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। तो हमारा पर्पस है कि लोगों को बिजनेस सिखाना। अब क्यों सिखाना है, इसका भी कारण समझ लेते हैं। क्योंकि जिस देश में बिजनेस बड़े होते हैं वो देश बड़े होते हैं। आज आप चाहे अमेरिका को देख लीजिए, आप चाहे चाइना को देख लीजिए, ये सब इतने बड़े सक्सेसफुल देश क्यों हैं? क्योंकि इनके यहाँ बिजनेस करने वाले लोग ज्यादा। जिस देश में बिजनेस करने वाले लोग ज्यादा होंगे उसमें आपको सबसे ज्यादा देश की ग्रोथ होती है। इसीलिए हमारा पर्पस है कि लोगों को बिजनेस सिखाना, लोगों को बिजनेस कराना, और बिजनेस करने में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसका समाधान देना। क्योंकि बिजनेस करने से क्या होता है जैन कुमार जी, तीन लोगों का फायदा होता है। बिजनेस करने से किसका फायदा होता है? तीन लोगों का फायदा होता है। सबसे पहले नासिम जी किसका फायदा होता है?
सबसे पहले फायदा होता है जब आप बिजनेस करते हैं तो आपका आपका क्या फायदा होता है? आपका सबसे पहला फायदा ये होता है कि जब आप बिजनेस करते हैं तो आप यहां पे जब बिजनेस करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा आपका ये होता है कि आप ज्यादा रिस्क ले पाते हैं। आप क्या कर पाते हैं? ज्यादा रिस्क ले पाते हैं, अपने आप का पोटेंशियल को ज्यादा यूज कर पाते हैं। और उसके साथ साथ उससे भी बड़ी बात क्या होती है, आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। मॉनेटरी टर्म में बात करें, पैसे के टर्म में, कि जब आप बिजनेस करते हैं तो आप ज्यादा इनकम कर पाते हैं, ठीक है। दूसरा फायदा क्या होता है, जब आप कोई बिजनेस चालू करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो दूसरा फायदा किसका होता है? समाज का होता है। समाज का क्या फायदा होता है, जब आप कोई भी बिजनेस चालू करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं। लोगों क्या करते हैं? रोजगार देते हैं। तो समाज का भी फायदा होता है। और तीसरा गवर्नमेंट का फायदा होता है। गवर्नमेंट का फायदा क्या होता है? गवर्नमेंट का ये फायदा होता है कि जब आप यहाँ पे काम करते हैं तो गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा टैक्स देते हैं, देश आगे बढ़ता है। इसलिए हम बिजनेसमैन बना रहे हैं ताकि तीनों का फायदा हो, आपका भी, समाज का भी और देश का भी, ठीक है। ओके, अब उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। बड़ा बिजनेस हमने समझ लिया, बड़ा बिजनेस का विजन समझ लिया। अब हम समझते हैं आईबीसी क्या है। इंडिपेंडेंट, आईबीसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट क्या होता है, अगर हम इसको आसान भाषा में समझे, इसको बोलते हैं स्वतंत्र व्यापारी सलाहकार। जिस तरीके के फाइनेंशियल कंसल्टेंट होते हैं, जिस तरीके के इनकम टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, जिस तरीके के लॉ कंसल्टेंट होते हैं, उसी तरीके एक बिजनेस कंसल्टेंट होते हैं। अब ये बिजनेस कंसल्टेंट करते क्या है? बिजनेस कंसल्टेंट बिजनेसमैन की प्रॉब्लम को समझते हैं और उसका समाधान देते हैं। बिजनेसमैन की प्रॉब्लम को समझते हैं और समाधान देते हैं, तो एज अ आईबीसी आप बिजनेस कंसल्टेंट बनते हैं। अगर बिजनेस की बात करें, बिजनेस में इसको बोलते हैं डिजिटल फ्रेंचाइजी। आप बड़ा बिजनेस के डिजिटल फ्रेंचाइजी बनते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया दो तरीके से लोग आते हैं, एक लर्निंग के लिए, एक अर्निंग के लिए। दो तरीके से यहाँ पे लोग आते हैं। अब दूसरा बात करते हैं कि क्यों आपको आईबीसी ज्वाइन करना चाहिए। आईबीसी पूरे भारत में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हर तरफ से लोग ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, उसका कारण क्या? उसके तीन ऐसे बहुत मुख्य कारण हैं। उसके क्या हैं? तीन ऐसे बहुत मुख्य कारण हैं जिसके लिए लोग यहां पर आते हैं। एक बिजनेसमैन भी आके आईबीसी बन के सीखता है, एक जॉब प्रोफेशनल भी आके आईबीसी बन के सीखता है, एक अनएम्प्लॉयड व्यक्ति भी आकर के सीखता है, एक लड़का भी सीखता है और एक हाउसवाइफ भी सीखती है। मैं तीनों के एग्जांपल आज आपको यहां पे शेयर करूंगा। वो कारण क्या होता है? सबसे पहला कारण मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे दो तरह से लोग आते हैं, एक आते हैं सीखने के लिए, एक आते हैं पैसे कमाने के लिए, एक आते हैं लर्निंग के लिए, आप आते हैं अर्निंग के लिए। आप फटाफट टाइप करिए कि आप यहाँ पे किसके लिए आए। आप लर्निंग के लिए अगर आए तो एल टाइप कर दीजिए, अगर अर्निंग के लिए आए हुए ई टाइप कर दीजिए। कितने लोग हैं जो यहाँ पे लर्निंग के लिए आए हुए? ओके, फटाफट टाइप कर दी, या तो एल टाइप कर दी या तो ई टाइप कर दी। लर्निंग अर्निंग। ओके। देखिए, जब तक ऐसा कहते हैं कि अगर आपको अच्छे फल खाने तो पानी कहां डालो? जड़ में डालो, है ना। पानी कहां डालो? जड़ में डालो। तो अगर आपको एक्स्ट्रा लर्निंग अर्निंग करनी है तो क्या करनी पड़ेगी? थोड़ी सी लर्निंग करनी पड़ेगी, अपनी लर्निंग बढ़ाना पड़ेगा। जब जब हम अपनी लर्निंग को बढ़ाते हैं, अपनी स्किल को बढ़ाते हैं, अपनी काबिलियत को बढ़ाते हैं, अपने कौशल को बढ़ाते हैं, तब तक हमारी इनकम बढ़ती है। और बड़ा बिजनेस में बिल्कुल बिल्कुल सबसे सही बात है सर, सबसे पहले लर्निंग उसके बाद अर्निंग। बिल्कुल, जब नया सीखेंगे तभी तो नया करेंगे, ठीक। अब बड़ा बिजनेस में आने का जो सबसे पहला कारण है, जिसके लिए लोग आते हैं बड़ा बिजनेस में, वो क्या है, इसको समझ लीजिए। सबसे मेन कारण है कि यहां पर आते हैं आईबीसी बन के लोग सीखने के लिए आते हैं। क्या सीखने के लिए आते हैं? यहां पर आपको बिजनेस की सारी चीजें सीखने को मिलती है। क्या क्या सीखने को मिलती है सबसे पहले समझते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पे सीखते हैं कि मैं स्टूडेंट तो हूं लेकिन आने वाले टाइम पे क्या चीजें सीखूं जिससे मेरी जॉब अच्छी लगे, या अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो, ये कौन सी स्किल में सीखूं। देखो, आज स्टूडेंट जो है उनको भी मालूम है कि एमबीए वालों की क्या स्थिति है। 10 लाख रुपए लगा के एमबीए करते हैं और 10 लाख का भी पैकेज नहीं मिलता, है ना। तो स्टूडेंट्स को सिखाते हैं फ्यूचर रेडी, स्टूडेंट्स की फ्यूचर के लिए रेडी कैसे करें स्टूडेंट्स को, ये यहाँ पे सीखने को मिलता है। उसके बाद लेडीज हैं जो घर से काम कर रही हैं, तो उनके लिए हम लेकर आए वोमेनप्रेन्योर। वोमेनप्रेन्योर क्या होता है? यहाँ पर आपको सीखने को मिलता है कि एक महिला घर से कैसे काम कर सकती है, कैसे खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, ये आपको वोमेनप्रेन्योर में सीखने को मिलता है।
उसके बाद आप अगर इंडिविजुअल हैं, मतलब आप अगर LIC एडवाइजर हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, म्यूचुअल फंड एडवाइजर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, जो व्यक्ति अकेले काम करता है वो कैसे अपने बिजनेस को बड़ा कर सकता है, इसके लिए हम आपको यहाँ पे सोलोप्रेनर सिखा। फिर कुछ लोग होंगे जिनको स्टार्टअप स्टार्ट करना है कि सर मेरे को स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप यहाँ पे सिखाते हैं कि भैया कैसे आप अपने स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ लोगों का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होगा, मैन्युफैक्चरिंग की एक्सेलेंस सिखाते हैं। रिटेल का बिजनेस, जिनकी भी दुकान है, परचून की दुकान है, फोन की दुकान है, कपड़े की दुकान है, जूतों की दुकान है, राशन की दुकान है, किसी की भी दुकान है, अब रिटेल के बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आती है, उस बिजनेस को कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, ये भी सिखाया जाता है। और उसके बाद सातवां, सर्विस इंडस्ट्री। सात तरह की इंडस्ट्री है जिसमें बिजनेस होता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलती है। और किनसे सीखने को मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको सीखने को मिलती है ऐसे दिग्गज बिलियनियर प्रोफेसर्स। यहाँ पे कोई कॉलेज का प्रोफेसर नहीं पढ़ाता, यहां पर आपको वो पढ़ाते हैं, वो सिखाते हैं जिन्होंने खुद का बिजनेस किया होता है। जैसे हो सकता है आप बड़े शहर में रह रहे हो तो आपके अमूल का दूध आ रहा हो, तो अमूल के जो चेयरमैन है मिस्टर सोडी साहब, वो आपको सिखाते हैं कि भैया यहां पे कैसे बिजनेस को शुरू किया जाता है। दुनिया का तीसरे नंबर का अखबार हमारे भारत से है जिसका नाम है दैनिक भास्कर, हो सकता है आपके शहर में घर में भी आ रहा हो, तो दैनिक भास्कर के चेयरमैन आपको सिखाते हैं कि भैया कैसे अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है, कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको केंट आरो के चेयरमैन मिलते हैं जो आपको सिखाते हैं भैया स्ट्रेटजीज कैसी बनाते हैं बिजनेस। उसके बाद आपको SBI के चेयरमैन MD मिलते हैं मिस्टर गुप्ता जी, जो आपको सिखाते हैं भैया फाइनेंस को कैसे यूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अग्रवाल पैकेजर्स एंड मूवर्स के चेयरमैन मिलते हैं, ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल मिलते हैं, दावत बासमती के ओनर मिस्टर अरोरा जी मिलते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन मिलते हैं। ये सारे ऐसे दिग्गज बिलियनियर प्रोफेसर आपको मिलते हैं जो आपको सिखाते हैं कि भैया बिजनेस कैसे किया जाता है। उसके बाद एक और मैं आपको लेके चलता हूं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से ही समझते हैं कि आप जब IBC बनते हैं तो आपको क्या क्या सीखने को मिलता है। जितने लोग सीखने के लिए यहां पर आए हुए हैं, जितने भी लोग सीखने के लिए आए हुए हैं, इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर आपको सीखने को क्या क्या मिलेगा, फिर मैं आपको रियल केस स्टडी मिलवाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें सीखने को मिलती। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, विवेक सर ने खुद एक्सप्लेन किया है कि आप IBC बन के बड़ा बिजनेस में क्या क्या सीख। हमारी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ही असली ताकत है इसकी, LMS। इसमें हमारे 80 बिलियनेयर प्रोफेसर्स के अलावा 300 सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी है। अगर मुझे ब्रांड सिखाना है तो मैं नेस्ले का, एयरटेल का या कोका कोला का ब्रांड हेड लेके आना चाहूंगा। अगर मेरे को प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सिखानी है तो मैं मारुति का, ह्युंडई का, होंडा का, टोयोटा का प्रोडक्शन हेड लेके आना चाहूंगा। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मेरे लिए सबसे बड़ी चीज होती है। जिसने खुद किया है वो आकर के सिखाए, मैं कॉलेज के प्रोफेसर नहीं लेता हूं। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में तो सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप IBC बनके मेरे साथ सीख नहीं पाए तो क्या फायदा हुआ। IBC बनके आप अपना बिजनेस करिए, सब करिए। आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना तो एक साल में आपको इतना सिखा देंगे, इतना रगड़ देंगे, इतना सिखा देंगे, आप नया बिजनेस शुरू कर लीजिए। इसीलिए हमारे बिजनेस में हमारा रिटेंशन रेट बहुत हाई रहता है, लोग हमारे को पसंद करते हैं, हमारा एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा होता है, एवरेज वीडियो हिट रेट अच्छा होता है, लोग जुड़े रहते हैं हमारे साथ में। सो जो प्रोफेसर्स ने, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, पहले तो मैं आपको इतना बता दूं कि प्रोफेसर्स ही हमारे इतने पावरफुल हैं कि उनकी अगर सारी कंपनियां खुद की कंपनी जोड़ दें, जैसे APL अपोलो 10,000 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, ये संजय गुप्ता इनकी कंपनी ले लें, फोर्ड मोटर्स ले लें, आप ये सारी कंपनीज को अगर जोड़ते जाओगे, दैनिक भास्कर लोगे आप शाओमी लोगे, आप ये सारी कंपनीज को जब जोड़ेंगे तो हमारे देश की GDP का 1/3 केवल हमारे प्रोफेसर ओन करते हैं। मेरी बात सुन लीजिए आप, 1/3 ऑफ द GDP ऑफ आर कंट्री, उससे ज्यादा टोटल वैल्यूएशन है इन लोगों की जो हमारे यहां आप आके आपको सिखाते हैं, यानी कि रियल प्रोफेसर्स हैं। वापस आता हूं, तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ही हमारी सबसे अच्छी ताकत है। स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रखे हैं, पहले NHIT बना है, न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग, यानी कि नया IBC आते ही उसको NHIT मिलता है 15 दिन का। NHIT मिलने के बाद उसमें सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग, उसमें वेबिनार्स की ट्रेनिंग, उसमें हर तरह की ट्रेनिंग मिलती है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग का ही बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। हमारे यहाँ नेशनल ट्रेनिंग हेड है, उसके अंदर हमारे यहाँ जोनल ट्रेनिंग हेड हैं ZTH, उसके अंदर रीजनल ट्रेनिंग हेड्स हैं, उसके नीचे आप चलते हो तो रीजनल IBC मैनेजर्स हैं, ब्रांच वाइज IBC मैनेजर्स हैं, हर तरह। ओके, तो कितने लोगों को समझ में आया कि क्या क्या सीखने को मिलेगा, कितने लोगों को क्लियर हो गया, और कितने लोग हैं जो ऐसे बिलियनियर प्रोफेसर से सीखने वाले, क्योंकि ये जो लोग हैं ये आपको हर जगह नहीं मिलने वाले।
ये जो लोग हैं ये आपको हर जगह नहीं मिलने वाले हैं, और मैं आपको एक रियल टेस्टिमोनियल से मिलवाता हूं। हमारे साथ है यहाँ पे, हमारे साथ दुष्यंत सर है। मैं सबसे पहले दुष्यंत सर को इनवाइट करता हूँ। दुष्यंत सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो दुष्यंत सर, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, 1000 लोग हैं, इनमें से काफी सारे लोग हैं जो ये सीखने के लिए आए हैं कि मेरे को क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो सर, आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस फील्ड से थे और आप बड़ा बिजनेस में हैं, तो क्या क्या सीखने को मिलता है? राइट राइट, थैंक यू नारायण सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दुष्यंत है। मैं एक्चुअली, मेरा 15 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस रह चुका है, जिसमें मैं लगभग 10 साल बैंकिंग में था और एज अ ब्रांच मैनेजर की पोजीशन में रह चुका हूँ मैं। बड़ा बिजनेस आईबीसी ज्वाइन करने का मेरा सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जो है वो ये था कि मैं कोई ऐसा बिजनेस तो मैं शुरू से करना चाह रहा था, बट हमेशा होता है ना कि एक आदमी एक ऑप्शन का हमेशा तलाश करता है कि कैसा ऑप्शन ढूंढे भाई, क्योंकि अगर एकदम से कोई दुकान खोलूं और शुरू से हम लोग एक जॉब वाले व्यक्ति रहा हूँ, मेरे कोई फैमिली में आज तक किसी ने बिजनेस का कोई भी नहीं मालूम है, तो अगर मैं एकदम से कोई चीज की शुरुआत करूं तो हमेशा डर होता था कहीं इसके फेलियर होने का। और मुझे यकीन है कि यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब में है अगर, तो उनके अंदर डर होगा की शुरुआत वो करने से पहले कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो क्या होगा। तो इसी कारण से मैं विवेक सर की वीडियो बहुत समय से फॉलो कर ही रहा था, और जब मैंने आईबीसी के बारे में जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने सबसे पहले इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च किया कि कैसे ये मेरे लिए, जो मेरा ड्रीम है कि मैं अपना खुद का कोई काम शुरू करना, इसमें कैसे मेरे लिए एक शुरुआती दौर हो सकता है। तो उसके बाद जब मैंने इसको फिर मैंने पूरी स्टडी करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि अगर कोई बिजनेस अगर आप करने को वाकई में बहुत इच्छुक हैं सही मायने में, तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपको स्टार्टअप कैसे करना है, स्टार्टअप करने के बाद में बिजनेस को स्केल कैसे करना है, बिजनेस को ऑटोमेशन में कैसे ले जाना है, मार्केटिंग करने के तरीके क्या होने चाहिए, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि इसको जानकारी के बिना अगर कोई जॉब वाला व्यक्ति या कोई एक आम आदमी अपने काम को, अगर कोई बिजनेस को शुरुआत करने का सोचता भी अगर है, तो आज कंपटीशन इतना हाई है किसी भी बिजनेस के अंदर में कि आप सर्वाइवल आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने इसको अपनी जॉब थोड़ा सा बीच में आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कितने लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ साथ अपना बिजनेस करना चाहते हैं। मैं आपका क्वेश्चन दुष्यंत सर से पूछता हूँ, जितने लोग जॉब कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं कि जॉब के साथ साथ सर इस बिजनेस को कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कितने लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं जॉब के साथ करना चाहते हैं? तो दुष्यंत सर का कहना है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं और उसके बाद अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आईबीसी मॉडल राहुल कुमार जी कैसे हेल्प कर सकता है। दुष्यंत सर ने बताया है कि क्या क्या सीखने को आपको मिलता है। तो दुष्यंत सर, कितना टाइम लगा आपको, अभी आप जॉब के साथ कर रहे हैं या फुल टाइम इसको कर रहे हैं? नहीं सर, मैंने सबसे पहले तो उसको जॉब के साथ ही शुरू किया था। लगभग मैंने 6 महीने पार्ट टाइम बेसिस में इसको आईबीसी को शुरुआत करी, बिकॉज एकदम से जॉब को लेफ्ट आउट करना पॉसिबल नहीं था। बट जब मैंने देखा कि यहाँ से अर्निंग आनी शुरू हो रही है, जब यहाँ से कमाई हो रही है, तो मुझे लगा कि चीजें जो सीखने को मिल रही है, जो पैसे भी आ रहे हैं, तो फिर मुझे लगा कि अब रिस्क मैं ले सकता हूँ यहाँ। तो फिर फाइनली फिर मैंने जब मैंने अब तो मैं ऐसा फुल टाइम कर रहा हूँ, पिछले 8 महीने से मैं ऐसा फुल टाइम इस बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, और हर महीने लगभग 3 से 4 लाख रुपए का बिजनेस अपने घर से कर रहे हैं। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है, जिसके लिए ना तो आपको कहीं बाहर भटकने की जरूरत है ना कुछ, सारा काम आपको घर से ही करना है। तो मुझे लगता है कि ये एक अपने आप में यूनिक अपॉर्चुनिटी है जो विवेक सर ने दी है हम सबको। बिल्कुल, जॉब वालों के साथ दुष्यंत सर ये बहुत प्रॉब्लम रहती है कि कई बार उनको घर से बाहर जाना पड़ता है, काफी टाइम तक फैमिली से दूर रहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति घर में रह के, घर में अपने फैमिली को टाइम देते हुए अगर वो बिजनेस करना चाहे, तो क्या लगता है आईबीसी में काम करके वो 6 फिगर इनकम ले सकता है? बिल्कुल सर बिल्कुल, मेरा तो ये मानना है कि सिर्फ यही, मुझे तो लगता है कि सिर्फ यही एक अपॉर्चुनिटी है जिसको घर बैठ के किया जा सकता है सही मायने में, घर बैठ के, क्योंकि राइट राइट, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे ऑनलाइन ही होती है, सारा काम फोन के माध्यम से ही करना है। ओके ओके, बाकी थैंक यू सो मच दुष्यंत सर, मैं आपको बिल्कुल सर दोबारा बुलाऊंगा। थैंक यू सो मच दुष्यंत सर, मैं आपको बता दूं दुष्यंत सर 12 साल से काम कर रहे हैं, 12 साल से एज अ कॉर्पोरेट में काम कर रहे थे, और अभी अभी वो फुल टाइम एज अ बड़ा बिजनेस में काम कर रहे हैं, और बड़ा बिजनेस में आए थे सीखने के लिए, किसके लिए आए थे, सीखने के लिए, और आज बड़ा बिजनेस में फुल टाइम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया सीखने को क्या क्या मिलेगा, ऐसे दिग्गज लोगों से आपको सीखने को मिलेगा जिन्होंने अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया है और 1000 करोड़ का बिजनेस खड़ा किया है। तो सबसे पहली बात, जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए लोग आईबीसी बनते हैं, किसके लिए, सीखने के लिए। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, सीखने को और क्या क्या मिलेगा। सीखने को अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन है, तो आपको हमने बिजनेस की 130 बिजनेस की प्रॉब्लम ढूंढ के निकाली है। कितनी? 130। उस 130 बिजनेस की प्रॉब्लम का सलूशन लेकर के आए हैं ताकि बिजनेसमैन
कि हेल्प हो सके। ये तो बिजनेसमैन के लिए हो गया, लेकिन कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे सर मैं तो बेरोजगार हूं मैं क्या करूं, तो भैया आईबीसी बन के काम करना है ये अच्छा है। कुछ लोग बोलेंगे सर मैं तो हाउसवाइफ हूं या मेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है मैं क्या करूं, कोई बात नहीं आपको सिखाएंगे कि ऐसे 25 बिजनेस आइडिया हैं जिसको आप घर बैठे बैठे स्टार्ट कर सकते। हमने हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप बनाया है जिसमें आपको शुरू से सिखाएंगे कि कैसे आपको स्टार्टअप स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद अगर आप सीखना चाहते हैं कि मैं शेयर मार्केट कैसे सीखूं वो भी आपको सिखाएंगे, आप ये सीखना चाहते हैं मेरी पैसिव इनकम कैसे आए ये भी सिखाएंगे। हर वो चीज जो आप सीखना चाहते हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो सारी चीजें आपको यहाँ पे एक एक करके सीखने को मिले, ठीक है। उसके बाद एक आता है जिसको हम बोलते हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम। कितने लोग हैं जो बिजनेसमैन है जिनका बिजनेस चल रहा है जो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। मैं पहले बात कर रहा हूं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे लर्निंग की, सीखने की, क्योंकि भैया जब सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जब हम सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो जितने बिजनेसमैन है जितने भी लोगों का बिजनेस है और आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे अगर लेके जाना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम के बारे में जरूर आप पूछिएगा। जिस भी व्यक्ति ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है उनसे जरूर आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में पूछिएगा। आपको पता चल जाएगा कि मेरा बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे कैसे जा सकता है। अगर आपका बिजनेस है 5 लाख का 10 लाख का 15 लाख का 20 लाख का 25 लाख का तो विनय जी ये इसके बारे में जरूर इंक्वायरी करिएगा, इसके बारे में जरूर समझिएगा लीडरशिप फनल क्या होता है। ये वो ऐसा क्रांतिकारी प्रोग्राम है जिसने लोगों की जिंदगी बदली, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए क्या है ये। भाइयों ऐसे तो कहने को मेरे अब तक बहुत सारे अचीवमेंट्स हो चुके हैं। वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल चैनल बना रहा हूँ, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना चुका हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस ट्रेनिंग कंपनी चला रहा हूँ, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। मैं काफी बात कर सकता हूँ, पर जो मेरी पसंदीदा एक अचीवमेंट है जिसको मैं मानता हूँ कि मैंने वैल्यू क्रिएट किया, जो वास्तव में वैल्यू क्रिएशन है, इसमें कोई डेटा नंबर की बात नहीं कर रहा, इसमें लोगों की जिंदगी बदलने की बात की है, वो एक लाइन में बता रहा हूँ। मैं सैकड़ों बिजनेस को 1000 करोड़ के ऊपर लेके जा चुका हूँ और 1000 बिजनेस को 100 करोड़ के ऊपर लेके जा चुका हूँ। सैकड़ों बिजनेस को 1000 करोड़ के ऊपर, बात समझ में आ रहा है भाई मेरे, और 1000 बिजनेस को 100 करोड़ के ऊपर। हाँ, मैं कौन से यूनिकॉर्न, ये अचीवमेंट है मेरा, मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट किया है। 1500 कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर चुका हूं पर मजा नहीं आया। मजा आता है मुझे आज एक छोटे व्यापारी को बड़ा होते हुए देखने में, मजा आता है उसका हाथ पकड़ के उसके क्वेश्चन का आंसर करने में और उसको बताने में, उसको डांटने में, उसको रगड़ने में, उसको समझाने में, उसको सिखाने में, बताएंगे सिखाएंगे करवाएंगे। मेरी बात समझो, मैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूँ, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस। ओके, तो ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम आपको सीखने को मिलता है भैया जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। अगर आपका बिजनेस लाखों में है, आप करोड़ों में लेके जाना चाहते हैं, तो आप इस बिजनेस इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने बात करी कि हमको सीखने को क्या क्या मिलेगा, कैसे कैसे सीखने को मिलेगा, अब उसके बाद हम आपको लेके चलने वाले हैं कि यहाँ पे पैसे कैसे आएंगे, जिसकी हम करने वाले थे मुद्दे की बात। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि बीबी जूनियर है बच्चों के लिए, जिसमें आपके बच्चों को ट्रेनिंग मिलती है, आपके बच्चों को ट्यूशन एज अ ट्यूशन की तरह आप बीबी जूनियर ले सकते हैं, जिसमें आपके बच्चों को रटने की जरूरत नहीं होगी, वीडियो देखते देखते गेम खेलते खेलते गेमिफिकेशन के माध्यम से यहाँ पे सीख सकते हैं। और अच्छी बात क्या है, एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी, मतलब आपके बच्चों को एग्जाम कैसे पास करना है ये भी तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे, उसके साथ साथ आपके बच्चे को एग्जाम के बाद क्या क्या सीखना चाहिए वो भी आपको सिखाएंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बच्चे को कैसे सिखाएंगे, उसका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएंगे, उसकी क्रिएटिव थिंकिंग कैसे डेवलप करेंगे, ये सारी चीजें आपको बीबी जूनियर में सीखने को मिलती है, ठीक है। तो ये अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर आपको अभी तक चीजें समझ में आई हैं, अभी तक जो मैंने बताया अगर आपको अभी तक क्लियर हुआ है तो फटाफट यस टाइप कर दीजिए, फिर मैं आगे लेके चलता हूं। कितने लोगों को अभी तक में चीजें क्लियर हुई हैं कि भैया सीखने को क्या क्या मिले। अब मैं बताऊंगा पैसे कैसे आते हैं, आते भी हैं कि नहीं आते, मैं आपको रियल टेस्टिमोनियल बताऊंगा कि 4 महीने में कितने आ सकते हैं, 8 महीने में कितने आ सकते हैं, 1 साल में कैसे आ सकते हैं। अभी तक की चीजें क्लियर हुई हैं फटाफट यस टाइप कर दिए, जितने लोगों को क्लियर हो गया है फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं कि आईबीसी में पैसे कैसे आते हैं, पैसे के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है। ओके 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 ओके, काफी सारे लोगों को क्लियर हो गया कि भैया पैसे कैसे आते हैं। अब हम समझते हैं कि आईबीसी को काम कैसे करता है, आईबीसी काम कैसे करता है ये थोड़ा सा समझते हैं। देखिए आईबीसी को हमने बताया, आईबीसी क्या है, एक बिजनेस कंसल्टेंट है। बिजनेस कंसल्टेंट क्या होता है, बिजनेस का डॉक्टर होता है। अब बिजनेस का डॉक्टर क्या करता है, बिजनेस की प्रॉब्लम समझता है और उसका सोल्यूशन देता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के कोर्सेस के माध्यम से।
अब इसको अगर आसान भाषा में समझे कि आईबीसी काम क्या करता है, आईबीसी काम करता है लोगों से बात करता है, उनकी बिजनेस की प्रॉब्लम समझता है और उनको समाधान देता है। आसान तरीके से समझे, जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसको बिजनेस करना है या उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो किसको कॉल करेगा? बिजनेस कंसल्टेंट को कॉल करेगा। एक दुकान वाला है, उसके पास ज्यादा कस्टमर नहीं आ रहे, वो किसको कॉल करेगा? बिजनेस कंसल्टेंट को कॉल करेगा। बिंद्रा जी को तो कॉल नहीं करेगा, बिंद्रा जी तो सबके कॉल उठाएंगे नहीं, वो बिजनेस कंसल्टेंट तैयार कर रहे हैं, वो बिजनेस कंसल्टेंट को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो बिजनेस कंसल्टेंट लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे आए, किसको कॉल करेगा? बिजनेस कंसल्टेंट को। बिजनेस कंसल्टेंट बताएंगे भैया ज्यादा कस्टमर कैसे आएंगे। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग हैं कि सर मेरा मार्केट में पैसा फंस गया, उसके लिए कॉल करेंगे, या धंधा कैसे बढ़ा उसके लिए कॉल करेंगे, मेरी ग्रोथ रुक गई है इसके लिए कॉल करेंगे। तो लोग यहाँ पे, लोग मतलब जो बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कॉल करते हैं, अपने बिजनेस के समाधान लेने। केवल बिजनेसमैन नहीं, बहुत सारे आज हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा यूथ है, वो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है लेकिन उसको मालूम नहीं कि क्या करें, उसके लिए वो कॉल करते हैं। तो आईबीसी का काम होता है लोगों से बात करना, उनकी प्रॉब्लम को समझना और समझ करके समाधान देना। समझ करके क्या करना? समाधान देना। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से सीखना चाहते, कनेक्ट होना चाहते हैं, आईबीसी का काम है उनकी प्रॉब्लम को समझना और समझ करके कनेक्ट कराना। अब इसके लिए मैं आपको ना रियल टेस्टिमोनियल लेके चलता हूँ। बहुत सारे लोगों को काम समझ में आया होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं आया होगा। मैं आपको लेके चलता हूँ कि एक हाउसवाइफ कैसे घर में रह करके घर से इस काम को कर सकती है। मैं आपको मिलवाता हूँ, हमारे साथ हैं मोशीना शेख मैडम, जो कि एक हाउसवाइफ है और घर से बैठ के इस बिजनेस को करती हैं। तो मोशीना मैम, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैम, यहाँ हमारे साथ लगभग 900 लोग हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आईबीसी का काम क्या होता है और क्या वाकई वो लोग घर में रह करके इस काम को कर सकते हैं। जी सर, मैं आपको सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन जो लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं इस काम को पिछले 2 साल से कर रही हूँ, अपने घर से बैठ के ही कर रही हूँ। और सबसे ज्यादा रीजन मेरा इस आईबीसी को ज्वाइन करने का ये था कि मेरे बच्चे, जब मैंने आईबीसी ज्वाइन किया था उस टाइम पे छोटी थी मेरी बेटी, और उस टाइम पे जॉब तो मिल रहे थे मुझे बैंक वगैरह पे, पर वो फुल टाइम जॉब थे 9 आवर्स के। तो मुझे उस टाइम पे मैं ऐसी ही अपॉर्चुनिटी देख रही थी जिसमें कि जिससे मैं घर बैठे उस काम को कर सकूं, साथ ही साथ बच्चों को भी देख सकूं। तो उस टाइम पे मुझे आईबीसी के बारे में मेरे एक फ्रेंड ने बताया था। वो मैं एक्चुअली एमबीए भी हूँ, पहले मैं जॉब करती थी तो इस वजह से मैं जॉब सर्च भी कर रही थी, लेकिन फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं जिससे कि घर बैठे ऐसा कोई काम मैं कर पाऊँ जिससे कि मुझे समझ, मतलब कि मैं अर्निंग कर सकूं, मुझे नहीं मिला ऐसे। बहुत सारी चीजें थी बट कुछ MLMs थे, कुछ ऐसे थे, बट उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं थे एक्चुअली। उसके बाद तो मैम मेरा आपसे सवाल है कि आप घर बैठ के काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो मैम लोग आसान भाषा में समझना चाहते हैं कि आप घर बैठ के करते क्या है, काम क्या करना होता है आईबीसी। सर इसमें फोन पे बात करके आपको बिजनेस की कंसल्टेशन, सलाह देनी रहती दूसरों को, जिसमें मैं पार्ट टाइम करती हूँ तो मैं इसे 2-3 आवर्स करती हूँ। और जो फुल टाइम कर रहे हैं सबका अलग अलग है हर कोई, क्योंकि कुछ पार्ट टाइमर्स रहते हैं, कुछ फुल टाइमर्स रहते हैं, है ना। तो अलग अलग टाइप के आईबीसी रहते हैं, मैं पार्ट टाइमर हूँ, बहुत से लोग यहाँ फुल टाइम करते हैं, तो सबकी अर्निंग उसमें डिफर होती है, जो जितना टाइम देता है उस हिसाब से उसको अर्निंग होती है। और तो काम आपका रहेगा, फोन पे बात करती हूँ। जी सर बोलिए। अगर कोई घर से काम कर रहा हो, आप घर से काम कर रही हैं, तो महीने का कितना इनकम ऐसा आईबीसी में हो सकता है? सर अगर आप दिन में 2-3 आवर्स देते हैं, लोग घर से बैठ के करते हैं काम को, तो आप यहाँ पे 1-2 लाख के आसपास आराम से अर्न कर सकते हैं। मतलब ये हाउसवाइफ के लिए पॉसिबल है कि वो 50,000-1 लाख रुपए महीना यहाँ से अर्न कर सकती है? आपका क्या कहना है? बहुत बात हुई है मेरी इतनी अर्निंग, इससे ज्यादा भी हुई है, तो बहुत ही ज्यादा इजी वे में आप घर बैठे ही कमा सकते हैं। अगर आप एक हाउस वाइफ है या फिर आपका कुछ ऐसा आपने प्लान आउट किया हुआ है कि मुझे घर से काम करना है, या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल भी अगर हो और वो अपने जॉब के साथ एक्स्ट्रा इनकम के लिए करना चाहते हैं, तो वो 2-3 आवर्स के लिए इस आईबीसी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं आपको बताऊं, मैम यहाँ पे हमारे साथ रेगुलर काम कर रही है। अभी रिसेंटली मैम ने गोवा क्वालिफाई किया है और अभी वापस से मैम ने दुबई भी क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, तो आईबीसी का जो काम है मैम ने समझाया, कितने लोगों को आईबीसी का काम समझ में आया,
कितने लोगों को मैम ने आसानी समझाया भैया घर पे बैठ के आप 2 से 3 घंटे निकाल के कॉल पे बात करके इस काम को कर सकते हैं। कितने लोगों को क्लियर हुआ भैया काम, कितने लोगों को क्लियर हो गया? काम समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया घर में रह करके अगर 2-3 घंटे का टाइम है आप निकाल करके बात कर सकते हैं। मैम जीता जागता उदाहरण है एज अ हाउसवाइफ। ओके ओके ओके, मैं आपको हर तरह के लोग से मिलवाऊंगा। अभी मैंने सबसे पहला दुष्यंत सर से मिलवाया था जो एक वर्किंग प्रोफेशनल है, 12 साल ऐसा बड़े कॉर्पोरेट में काम किया उन्होंने। ओके 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 ओके, ठीक है। अभी मैंने हाउसवाइफ से मिलवाया, फिर मैं भी आपको और बहुत सारे लोगों से मिलवाऊंगा। ओके 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 ओके, ठीक है। अब सबसे पहले सवाल आता है कि सर लोगों को समझाना है, समझा तो देंगे, लेकिन सवाल यह आता है कि सर लोग कहां से आएंगे, है ना? सवाल क्या आता है कि सर लोग कहां से आएंगे? तो सबसे पहले समझते हैं, लोग आएंगे सोशल मीडिया से। लोग कहां से आएंगे? सोशल मीडिया से आएंगे। आपने फेसबुक में वीडियो देखा होगा, कैंपेन चल रहा था, वहां पर आपने इंक्वायरी करी होगी। फेसबुक से लोग आते हैं, इंस्टा से आते हैं, यूट्यूब से आते हैं, गूगल से आते हैं, लिंक्डइन से आते हैं, हमारी पर्सनल वेबसाइट रहती है वहां से आते हैं। तो लोग आते हैं सोशल मीडिया से। अब सोशल मीडिया से लोग आते हैं, वो इंक्वायरी करते हैं। आईबीसी का काम होता है लोगों से बात करना और उनकी प्रॉब्लम को समझना और समाधान देना। सिंपल सा इतना काम होता है लोगों। उसके बाद तीसरी चीज ये आती है कि सर मैं लोगों को समझा तो दूंगा लेकिन मेरे को ही नहीं पता, तो मैं कैसे समझाऊंगा? तो उसके लिए आपको यहां पे टीम, ट्रेनिंग और टूल्स, तीनों चीजें मिलती है। सबसे पहले आपको टूल्स मिलता है, आपको वेबसाइट मिलती है जहां से लोग आते हैं, आपको CRM सॉफ्टवेयर मिलता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है, वन ऐप मिलता है, लर्निंग सारथी मिलते हैं, कंसल्टिंग सारथी मिलते हैं, और उससे भी अच्छी बात आपको पर्सनल बिजनेस कोच मिलता है जो आपको सिखा। तो सबसे पहले टूल्स मिल गए। अब टूल्स के बाद क्या होता है, आपको ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग मिलती है, कैसी ट्रेनिंग मिलती है? आपको सबसे पहले रीजनल ट्रेनर होते हैं जो आपको सिखाते हैं कि भैया लोगों की बिजनेस प्रॉब्लम कैसे समझना, क्या करना है, लोगों की बिजनेस प्रॉब्लम कैसे समझना है, फिर लोगों को कैसे समझाना है। उसके बाद सारी ट्रेनिंग आपको मिलती है, जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर मिलते हैं, डेडिकेटेड कोच मिलते हैं, चैनल पार्टनर मिलते हैं। उसके बाद लोगों को लगेगा सर जब तक मैं सीख रहा हूं तब तक अगर नहीं हो पाया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं भैया, आपको यहाँ पे आईबीसी मैनेजर मिलते हैं जिनसे आप घर बैठे बैठे कॉन्फ्रेंस कॉल में बात करा करके अपने कस्टमर को सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे सपोज, जैसे मोशीना मैम का मैंने एग्जाम्पल लिया, हाउसवाइफ। अब इनको कभी भी कोई चैलेंज आता है तो इनको एक डेडिकेटेड मैनेजर मिले हुए हैं, ये मैनेजर से बात करा देती। जैसे दुष्यंत सर की बात कर रहा था, दुष्यंत सर घर में बैठते हैं, लोगों से बात करते हैं, जिस कस्टमर से बात की उसको समझ में नहीं आया तो ये क्या करते हैं, अपने आईबीसी मैनेजर से बात करा। तो आपको टीम भी मिलती है, ट्रेनिंग भी मिलती है और टूल्स भी मिलती है। तो अगर आपको ये तीन चीजें क्लियर हुई हैं, सबसे पहला कि काम क्या करना है, दूसरा लोग कहां से आएंगे, और तीसरा कि मेरे को सपोर्ट क्या मिलेगा, अगर आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई तो फटाफट मुझे यस टाइप कर दी, फटाफट मुझे यस टाइप कर दी। और इसके लिए ना मैं आपको मिलवाना चाहता हूं हमारे साथ दुष्यंत सर है, मैं वापस दुष्यंत सर के पास लेके चलता हूं कि जस्ट अ मिनट। दुष्यंत सर आप अनम्यूट कर सकते हैं जी। नारायण सर, आवाज आ रही है? दुष्यंत सर, ये जो मैंने बात बताई यहाँ पर कि लोग सोशल मीडिया से आते हैं, और तो वाकई में यही करना होता है या कुछ और काम भी होता है? अरे सर, जितने भी लोग यहाँ कनेक्टेड हैं मेरे ख्याल से सारे लोग सोशल मीडिया से ही आए हुए हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में एक प्रूफ है कि ये सभी लोग वही हैं जिन्होंने अपने फेसबुक में या इंस्टाग्राम में ऐड के माध्यम से अप्लाई किया होगा, अपने डिटेल सबमिट किए होंगे, और फिर आज वो मीटिंग में एक आईबीसी के माध्यम से इस मीटिंग में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर बिल्कुल सारा काम एकदम स्मूथ है। अगर यही कंसल्टिंग वाला काम अगर आपको किसी के दुकान जाके करना पड़ता तो शायद आपको कोई भी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। बट जहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म विवेक सर ने तैयार दिया आपको, जहाँ पे लोग जिनको इंटरेस्टेड है, जिनको नीड है, वो खुद आपके पास कनेक्ट हो रहे हैं फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, वो खुद आपके पास इंक्वायरी लेके आ रहे हैं। यहाँ पे आपको नीड पैदा नहीं करनी है, यहाँ पे नीड ऑलरेडी है, आपको बस उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उनको सॉल्यूशन देना है, और वो सॉल्यूशन रेडीमेड बने हुए हैं जैसे कि नारायण सर ने आप सबको ऑलरेडी समझाया हुआ। तो दुष्यंत सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मैंने आपको ट्रेनर्स बताए थे, जैसे आप घर पे बैठे हुए तो कई बार ऐसा चैलेंज होता होगा कि आप क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाते, तो आपको आईबीसी मैनेजर मिलते हैं बात कराने के लिए कस्टमर से? बिल्कुल बिल्कुल, आईबीसी मैनेजर का पूरा सपोर्ट रहता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हमारे पास, कंसल्टिंग सारथी और बहुत सारी चीजें हमको दी हुई है कि जहां पर हम लगातार, जहां जब भी किसी की है, क्योंकि शुरू में जब भी कोई नया आईबीसी बनता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको आपको हेल्प लगेगी ही लगेगी।
आपको इनिशियली सपोर्ट के बिना आप बहुत आगे ग्रो करने में हर किसी को दिक्कत होती है, कोई भी नए काम है. तो वहां पे सपोर्ट का हमने पूरा सिस्टम डेवलप किया हुआ है. ऐसा नहीं है कि आपको बनाने के बाद आपको हम छोड़ दें खुले मैदान में कि आप करो खुद ही. तो आपको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट दिया जाएगा, सारी चीजें आपको अवेलेबिलिटी है, आपको पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहेगा. तो थैंक यू सो मच दुष्यंत सर, बहुत बहुत धन्यवाद. देखो दुष्यंत सर जो है ना वो 12 साल काम करके आए हैं, वो कोई नए नहीं है, उनको मालूम है कि काम कैसे होता है, ये सही है कि नहीं है. अपना 12 साल का एक्सपीरियंस बड़ी बड़ी बैंकों में काम करने के बाद, एज अ ब्रांच हेड काम करने के बाद, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि भैया बड़ा बिजनेस में काम करना चाहिए. ठीक है, तो इतना समझ में आया. अब हम बात करते हैं कि बड़ा बिजनेस में जब हम काम करते हैं तो हमको कमीशन कितना मिलता है. तो जब आप बड़ा बिजनेस में काम करते हैं तो आपको फ्लैट 33% कमीशन मिलता है. कितना मिलता है? फ्लैट 33% कमीशन आपको मिलता है. अब मैं आपको लेके चलता हूं कि भैया काम कैसे करना होता है और लाख रुपए कैसे आए. सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं, फिर मैं आपको मिलवाऊंगा क्या वाकई लाख रुपए महीना कमाया जाता है. हर तरह के लोगों से आपको मिलवाऊंगा. 4 महीने में कितने आ सकते हैं ये भी दिखाऊंगा, 10 महीने में कितने आ सकते हैं ये भी दिखाऊंगा, 1 साल में 12 महीने 14 महीने में कितने आ सकते हैं ये भी सिखाऊंगा. तो समझिए, जैसे आपको मोशिना मैम ने बताया, दुष्यंत सर ने बताया कि घर बैठ कर लोगों से क्या करना है, बात करना. तो डेली 10 से 12 लोगों से बात कर सकते हैं. कितने लोग हैं जो 2-3 घंटा निकाल के लोगों से 10 से 12 लोगों से घर बैठे बैठे बात कर सकते हैं? कितने लोगों के पास 10 से 12 लोगों से बात करने का टाइम? ओके 10 से 12 लोगों से बात करने का ही काम. आप ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं. लोग सोशल मीडिया से आएंगे, कैंपेन रन होता है. कैसे रन होता है आपको सिखाया भी जाता है और आगे चल के आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी कि लोग कैसे सोशल मीडिया से आते हैं. ठीक है, लोग सोशल मीडिया से आएंगे, कई बार कॉल भी करेंगे, कई बार आपके पास डेटा आ जाएगा तो आप उस डेटा में कॉल खुद से भी लगा सकते हैं. दोनों ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं. ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि डेली 12 लोगों से बात कर, कितने लोगों से डेली 12 लोगों से बात करते हैं तो 25 दिन में कितने लोगों से बात हुई? आपने 25 दिन लगातार बात किया, 12 लोगों से डेली बात करते हैं, 25 दिन लगातार बात किया तो कितने लोगों से बात हो गई? बात हो गई 300 लोगों से. अब जब 300 लोगों से बात होगी तो 3-4% कन्वर्जन निकल करके आता है. क्या होता है? 3-4% कन्वर्जन निकल करके आता है. अब उसके बाद अगर 3-4% कन्वर्जन निकल करके आता है तो क्या होता है, यहां पे 10 लोग निकल करके आ जाएंगे. लोग तो काफी सारे निकलेंगे, लेकिन मैं सेम मंथ की बात कर रहा हूं कि यहां पे 10 लोग ऐसे निकल करके आएंगे जो बोलेंगे कि सर, कुछ लोग आएंगे कि सर मेरे को बिंद्रा जी से सीखना है कि मैं ऐसी कौन सी स्किल सीखूं जिससे मेरा कॉर्पोरेट में पैकेज लग जाए अच्छे से अच्छा. स्टूडेंट आते हैं, कुछ स्टूडेंट आते हैं कि सर मेरे को हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप सीख कि मैं स्टार्टअप कैसे करूं. फिर कुछ लोग आते हैं कि सर मेरे को पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी पे कैसे जाऊं ये सीखने के लिए आते. तो 5 स्टूडेंट आ गए जो कुछ ना कुछ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, विवेक बिंद्रा जी से सीखना चाहते हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं. उसके बाद कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं वो ये सीखने के आते हैं कि सर मैं अपने बिजनेस को आगे कैसे लेके जाऊं, बिजनेस को बढ़ाऊं कैसे. जैसे बिजनेसमैन की प्रॉब्लम है, सर मेरे पास कस्टमर कम आते हैं, तो भैया ज्यादा कस्टमर कैसे लाए जाए इसकी ट्रेनिंग विवेक सर देते हैं. लोग सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं. उसके बाद आपको यहाँ पे लाइफ टाइम ट्रेनिंग मिलती है, लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए लोग आते हैं. तो ऐसा करके मैं ऑन एन एवरेज लेके चल रहा हूँ कि 10 लोग आते हैं जो यहाँ से कोई ना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम को क्या करते हैं, लेते हैं. कोई ना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे लेते हैं, आते हैं, सीखते हैं. ठीक है, अब वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम लेंगे उसकी एक फीस पे करेंगे, उस फीस से आपको 33% कमीशन मिलेगा. मतलब यहां पर हमने देखा 4 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ है. कितने का? 4 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ है, इसमें से 33% आपको मिलता है, 1,33,000-34,000 रुपए आपके आते हैं. तो यहां पे घर बैठ के लोगों से बात करना है, बात करते करते आप ये इनकम ले सकते हैं. लेकिन कई बार सवाल आता है, सर ये क्या पॉसिबल है, ऐसा संभव है? बहुत सारे लोगों को डाउट लग रहा होगा कि सर ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं, आपको प्रूफ के साथ आपको मिलवाता हूं. हमारे साथ भरत मेहता जी हैं. भरत मेहता जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, अनम्यूट कर सकते हैं. यस सर. तो भरत सर, आप कितने महीने से बड़ा बिजनेस में हैं? सर मेरे को 4 महीने हुए हैं अभी. 4 महीने हुए. तो 4 महीने में ये जो मैंने फिगर बताया था, तो क्या ये पॉसिबल है? लोग जानना चाहते हैं. बिल्कुल पॉसिबल है सर, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं. तो इससे पहले क्या करते थे आप?
सर कुछ नहीं, मैं तो बस छोटा मोटा वर्क करता था, मंडी जैसे मंडी रहता है, मंडी में जैसे जो भी कमीशन एजेंट पे काम करते थे, जो बोली वोली लगाने का काम करते थे, बाकी छोटा मोटा काम था वो ट्रेडिशनल वर्क करता था। मैंने सोचा नहीं था लाइफ में कि मैं मतलब इतना ग्रो कर पाऊंगा। तो यहाँ भी भारत सर लोग ये जानना चाहते हैं, हालांकि जानना नहीं चाहते, देखना चाहते कि जो मैंने अमाउंट बताया है क्या ये वाकई में हो सकता है, आप इसको दिखा सकते हो क्या? बिल्कुल सर। सर आपके पास एक मिनट, मैंने आपको परमिशन दी हुई है, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। सर मेरे इसमें इशू है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं शेयर कर दूंगा। तो ये भरत मेहता जी हैं जिनको अभी 4 महीने हुए, 4 महीने में भरत मेहता जी ने यहाँ पे काम किया है एज अ स्टूडेंट्स, के बाद ये लग गए थे अपने खुद के फैमिली बिजनेस में और यहाँ पर आज काम करके लगभग अभी 25 लाख रुपए का रेवेन्यू ऑलरेडी कर चुके हैं और अभी हमारे साथ गोवा भी होकर के आए हैं। और मैं आपको नेक्स्ट पर्सन से मिलवाता हूँ, हमारे साथ सूरज मौर्या जी है। सूरज जी आवाज आ रही है आपको? सूरज जी अनम्यूट कर सकते हैं? हाँ, तो सूरज जी अपना पोर्टल खोल सकते हैं आप? जी सर। हाँ, तो सूरज जी के बारे में मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिएगा, सूरज जी आज से कुछ टाइम पहले, लगभग 1 साल हो गया, 1 साल पहले एज अ सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे थे, कहाँ पे? दिल्ली में। सूरज जी क्या सही में कर रहे थे, आप बता सकते हैं क्या कुछ? जी सर, मेरा दिल्ली में मैंने 2 साल लाजपत नगर में रह करके मैंने जॉब किया है, चौकीदार के बैंक में मेरा जॉब था। ओके, तो सूरज जी अभी कितना टाइम हो गया आपको बड़ा बिजनेस में आईबीसी काम करते हुए? मेरे को 10 मंथ हो गए सर, मैंने अप्रैल 2022 में स्टार्ट किया था और अभी 10 मंथ मेरे कंप्लीट हो गए। 10 महीने, तो सूरज जी दिखा सकते हैं 10 महीने में क्या इनकम हुई, क्या पॉसिबल है 10 महीने में कर पाना ये? जी सर, जी सर, आप मुझे सर को होश कर दीजिए, मैं जस्ट। ओके ओके, मैंने आपको अलाउ किया हुआ है। सूरज जी 10 महीने पहले बड़ा बिजनेस में आए थे और अपना कीमती 10 महीना दिया, और सूरज जी जब आए थे तो इनकी लास्ट जो सैलरी थी वो लगभग 12,000 कुछ रुपए थी। और सूरज जी एक बार वापस से शेयर कर दीजिएगा, अभी स्क्रीन आपकी दिख नहीं रही है। अभी दिख रही सर, वापस से एक बार कर दीजिए। ओके, अभी क्या आपने सूरज जी आप पोर्टल दिखा रहे हैं, क्या क्या दिखा रहे हो आप? जी जी सर, मैं पोर्टल ही ओपन किया हूँ, थोड़ा सा आ जाएगा बस, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो ये बताने का मतलब ये है कि जो मैंने अभी आपको नंबर्स बताए हैं ये वाकई में ऐसे हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सूरज मौर्या जी का पोर्टल है, ये सूरज मौर्या इनका नाम लिखा हुआ है और अभी आप ये देख सकते हैं टोटल कमीशन जो बड़ा बिजनेस ने इनको दिया है, ये ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं टोटल कमीशन जो दिया है बड़ा बिजनेस ने। सूरज जी लास्ट सैलरी कितनी थी आपकी जब आपने जॉब छोड़ी थी? 10,500 रुपए भैया इनको कट के आते थे, और 10,500 से अभी 10 महीने हुए हैं, तो 10 महीने में बड़ा बिजनेस से इन्होंने 31 लाख रुपए यहां से कमाए हैं। लास्ट जो इनकी सैलरी थी, लास्ट जो इनका कमीशन बड़ा बिजनेस से आया था वो लगभग 4.5 लाख रुपए आया था, और जितना ये सैलरी लेते थे उससे डबल इनका टीडीएस कटा है, ये आप देख सकते हैं 22,000 रुपए इनका टीडीएस कटा है। तो ये बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म की पावर है कि 10 महीने में अगर आदमी कोई काम करता है तो आप देख सकते हैं कि कहां से कहां जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 महीने का पावर है कि आप यहाँ पे आराम से काम कर सकते हैं। कितने लोगों को लग रहा है भैया अगर ऐसी इनकम आए तो काम कर सकते हैं? कितने लोगों को लग रहा है काम करना चाहिए? 10 महीने की बात है सर, 10 महीने बहुत ज्यादा बात नहीं है। मैंने हाउसवाइफ को दिखाया, वर्किंग प्रोफेशनल को दिखाया और बिजनेसमैन को दिखाया। ओके 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 ओके, ठीक है। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर बाकी सब तो ठीक है, आपने अपना नहीं बताया। कोई बात नहीं। ओके ओके ओके, यस इट इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है सर। ठीक है, ओके, तो अब मैं आपको लेके चलता हूं भैया कि अगर आदमी कोई साल भर काम करे तो साल भर काम करने के क्या लगता है कि साल भर अगर कोई व्यक्ति काम करे तो कितना इनकम हो सकता है?
साल भर अगर कोई व्यक्ति काम करे तो क्या हो सकता है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। बिल्कुल राजू जी, मैं आपको अपना ही बता रहा हूँ सर, आपको लगेगा कि सर ये तो दूसरे का बता रहे हैं, अपना बता नहीं रहे ना, ठीक, मैं आपको बिल्कुल अभी लेके चल रहा हूँ, अब भी शेयर कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ। हाउसवाइफ का भी स्क्रीन शेयर कर सकता हूं सर, बिल्कुल सबका कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जस्ट अ मिनट में शेयर कर रहा हूं। एक मिनट, मेरी स्क्रीन, सूरज जी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके सर, नहीं एक्सक्यूज मी सर, देख नहीं रहे आपकी स्क्रीन। ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट मैम। मैं आपको लेके चल रहा हूं, ठीक है। ओके, अभी आपको गूगल दिख रहा है मैम? एक मिनट शेयर करिए, अगर आपको गूगल दिखे तो। गूगल दिख रहा है मैम? यस सर, अब दिख रहा है। ओके, मैं आपको गूगल से लेके चल रहा हूँ पेमेंट पोर्टल बड़ा बिजनेस पे। ये बड़ा बिजनेस का ऑफिशियल साइट है, जहां से हर आईबीसी का पूरा रिकॉर्ड रहता है, पूरा रिकॉर्ड बड़ा बिजनेस यहाँ पे मेंटेन करती है, और ये हर आईबीसी को ये सारी चीजें मिलती है। ओके मैम, अभी मेरी स्क्रीन क्लियर दिख रही है? ये दिख रही है, दिख रही। ओके ओके ठीक है, तो ये मेरा डैशबोर्ड है, ये मेरा आप देख सकते हैं, इधर नाम है इधर पे, और ये मेरा नारायण सिंह नाम है, और टोटल कमीशन क्या है बड़ा बिजनेस से अभी तक, मैं वो आपको शेयर करता हूं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति आज से 14 महीने पहले, अशोक बैरा जी ध्यान से समझिए, अगर कोई 15 महीने पहले सिर्फ और सिर्फ 25,000 के लिए काम कर रहा हो, तो क्या लगता है एक साल अगर प्रकाश जी वो काम करे बड़ा बिजनेस, तो मंथली हाईएस्ट इनकम कितनी हो सकती है? राहुल कुमार जी, पवन जी, क्या लगता है कि अगर कोई व्यक्ति एक साल बिंद्रा जी की बात मान के, सिर्फ और सिर्फ एक साल अपना बड़ा बिजनेस में दे दे, 14 महीने दे दे, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी इनकम हो सकती है? एक बार फटाफट टाइप करके बता दीजिए, क्या लगता है क्या हो सकता है? ओके ओके ओके, 50,000, क्योंकि जब मैं काम कर रहा था तो मैं 25,000 रुपए के लिए काम कर रहा था और 12 घंटे बराबर काम कर रहा था। ओके ओके ओके, 50,000 तो बिंद्रा जी पहुंचा देंगे, ठीक है, 1,00,000, ओके ओके, मैक्सिमम 45, ओके, 1,00,000 रुपए, ओके, 1 से 2 लाख रुपए, ओके ओके ओके, 60,000 करवा देंगे, ओके ठीक है, 30,000 करा देंगे, 4,00,000 करा देंगे, 2,00,000, ओके, 3,00,000, 1,00,000 तो करा ही देंगे, ठीक है। ओके, तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि पिछले एक साल में, 14 महीने हो चुके हैं, 15वां महीना चल रहा है, कितना कमीशन बड़ा बिजनेस ने मुझे दिया है। आप ये यहां पर देख सकते हैं, ये मेरा टोटल कमीशन है, ये टोटल कमीशन यहाँ पे ग्रीन कलर में दिख रहा है, और ये मेरा लास्ट मंथ का कमीशन है, फेब मंथ का, जो अभी इसी मंथ आया है। टोटल कमीशन है कितना दिख रहा है सर? अगर आपको क्लियर दिख रहा है एक बार मैसेज कर सकते हैं।
विपिन पांडे जी ध्यान से देखिए, जो अमाउंट आपको टोटल कमीशन दिख रहा है ये बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है आगे बताऊंगा आपको। ये कितना है सर? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही टाइप किया, 1,37,00,000 रुपए। कितना है? 1,37,00,000 रुपए। भाई साहब, 1 साल बड़ा बिजनेस में काम करेंगे ना तो ये फिगर, ऐसे फिगर आपके पास आ सकते। यस, 1,37,00,000 रुपए। ये कितने की है? सिर्फ और सिर्फ 1 साल की बात है भैया। कितने साल की? 1 साल की। कितने लोगों को लग रहा है कि भैया अगर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में भी ऐसा फिगर आता है तो करना चाहिए? कितने लोगों को लग रहा है करना चाहिए? और मैं बताऊं ये किस कारण से आया है। दो चीजें जो मेरे को समझ में आई थी आज से कुछ समय पहले, दो चीजें समझ में आई थी कुछ समय पहले, उन दो चीजों से ये रिजल्ट आया है। और जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अमाउंट तो बहुत छोटा है आलोक तिवारी जी, अमाउंट तो बहुत छोटा है, ये जो दो चीजें समझ में आ गई ना राहुल कुमार जी तो गेम बदल जाएगा। सिर्फ दो चीजें, आप आईबीसी करिएगा नहीं करिएगा, ये दो चीजें लिख लीजिएगा। अगर आपने समझ लिया तो इन दो चीजों से परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि काम तो मैं पहले भी 12 घंटे कर रहा था, काम आज भी उदयवीर जी 12 घंटे कर रहा हूं, लेकिन ये अमाउंट इतना क्यों बदल गया? अजय जी पहले समझो कि ये अमाउंट कैसे बदल गया, ये लिख लो आप। विपिन पांडे जी आप समझ लीजिए कि अमाउंट क्यों बदला, दो चीजों के कारण बदला। पहली चीज, भोपाल सिंह जी बिल्कुल पॉसिबल है, सूरज मौर्य भी 12th जो है वो पास नहीं है। पहले आप समझो क्या दो चीजें हैं, ये दो चीजें जिनसे पूरा का पूरा परिवर्तन हो सकता है। पहली चीजें लिख लेना भैया खुर्शीद जी, बिल्कुल पहली चीजें लिख लीजिएगा कि आपके पास जीवन में कोच है कि नहीं, आपका गुरु है कि नहीं। 15 महीने पहले मेरे पास कोच नहीं था, मैं अकेले काम कर रहा था, जो मेरे को लग रहा था, जो मेरे को समझ में आ रहा था, मैं वो सारे काम कर रहा था, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु का होना जरूरी है, गुरु का होना जरूरी है। अगर गुरु नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे। और बड़ा बिजनेस में जब हम आते हैं तो हमको एक पर्सनल कोच मिलता है जो हमको सिखाता है, रगड़ता है, पकड़ पकड़ के बताता है क्या करना है। कितने लोगों को लग रहा है भैया गुरु होना जरूरी? देखो, बिना गुरु के आप 10 साल काम कर लो बराबर है, और गुरु के साथ 1 साल काम कर लो बराबर है। मैंने बिना गुरु के, बिना कोच के 5 साल काम किया और 12,000 रुपए से 25,000 रुपए पे पहुंचा 5 साल। लेकिन 1 साल गुरु के साथ, सही कोच के साथ काम किया तो क्या हुआ कार्तिक बैरा जी, 1 साल में 1,37,00,000 हो गया। कैसे? सिर्फ और सिर्फ राहुल कुमार जी गुरु के होने से। ठीक है, जिसके लिए लोग बड़ा बिजनेस में आते हैं, जिसके लिए लोग आईबीसी बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको यहाँ पे एक गुरु मिलता है। आप खुद से सोच के पूछो कि अगर आपको शुरुआत से कोई कोच मिला होता प्रकाश जी, जो बताता कि आपको क्या करना है, किस फील्ड में जाना है पवन जी, तो क्या लगता है जहां आप आज हैं उससे आगे होते कि नहीं? जहां पर आज आप हैं उससे कई गुना आज आप आगे होते कि नहीं होते? ओके 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 ओके, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पहले तो गुरु हो गया, गुरु मिलता है आपको। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए लोग बड़ा बिजनेस में आते हैं वो क्या है? वो है संगत। क्या है? सफल लोगों की संगत। क्योंकि मेरे को समझ में आया था आप उन 5 लोगों का एवरेज बनेंगे जिन 5 लोगों के साथ आप रहते हैं। आप उन्हीं 5 लोगों का एवरेज बनेंगे जिन 5 लोगों के आप साथ रहते हैं। ये बात मेरे को 15 महीने पहले समझ में आ गई थी, तो मैंने बोला भैया डिसीजन लेना, क्योंकि मेरे को मालूम था कि मैं 25,000 रुपए कमा रहा हूं प्रकाश जी, तो मेरी आसपास के लोगों की जो संगत है वो कितने की है? वो भी 25,000 लोगों की है। तो राकेश जी 25,000 कमाने वाला मुझे 2,00,000-3,00,000 रुपए महीना कमाना नहीं सिखा सकता। तो मेरे को समझ में आया गोविंद राम जी की क्या बदलने की जरूरत है, संगत। और जब संगत बदल गई तो रंगत अपने आप बदल जाती। जैसे ही संगत बदलती, रंगत बदल जाती, तो लोग सबसे पहले, और आपको यहां पे संगत किसकी मिलती है? उन सफल बिजनेसमैन की जिन्होंने 1,000 करोड़ का बिजनेस किया है। उन सफल लोगों की, रितेश पांडे जी, जिन्होंने खुद का बिजनेस 1,000-10,000 करोड़ का शुरू किया, खड़ा किया। ऐसे सफल लोगों की संगत मिलती जिसके लिए लोग यहां पर आईबीसी बनने के लिए आते हैं। कितने लोग हैं जिनको भैया ऐसी सफल संगत चाहिए? कितने लोग हैं भैया? इंसान तो छोड़ो, खरबूजा भी खरबूजे को देख के ही रंग बदलता है, खरबूजा भी खरबूजे को देख के रंग बदलता है। और आप उन्हीं 5 लोगों का एवरेज जिनके साथ आप रह रहे हैं। ये बात मेरे को 15 महीने पहले समझ में आई थी, भैया संगत बदलने का काम। अगर आज आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के खुश नहीं है, अगर आप अपनी वर्तमान स्थिति को लेकर के खुश नहीं है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? संगत बदलने की जरूरत। क्या करने की जरूरत है?
संगत बदलने की जरूरत है। और सफल लोगों की संगत कहाँ मिलती है? आपको बड़ा बिजनेस में मिलती है, जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं और सफल बनते हैं। कितने लोगों को यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई? अगर आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई तो फटाफट यस टाइप कर दीजिए। कितने लोगों को क्लियर हो गया भैया कि भैया संगत का खेल है, संगत बदलना बहुत जरूरी। और जब आप बड़ा बिजनेस में आते हैं तो बड़ा बिजनेस आपके 16 लाख रुपए का निवेश करता है। क्या करती? 16 लाख रुपए का निवेश करती, 36,000 रुपए का बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम फ्री देती है, 100 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस 15 लाख रुपए के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती, पर्सनल वेबसाइट देती है, लाइफ टाइम सिखाती है। जब तक आप यहाँ पे सफल नहीं हो जाते तब तक आपको हाथ पकड़ के रगड़ती कंपनी। इस तरीके से काम होता है। आप एक बार आते हैं, आप जब तक सफल नहीं होते तब तक आपको रगड़ने का काम करते। उसके बाद अगर आज के डेट में भारत में कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो कितना इन्वेस्टमेंट शुरू में लगता है? ऐसा बिजनेस जिसमें लाखों रुपए की इनकम हो, उस बिजनेस को स्टार्ट करने में सबसे पहले कितने लोगों को, अगर बिजनेस स्टार्ट करना है भारत में तो कम से कम कितना रुपए लगता है? ओके 10 लाख रुपए लगता है, शाहरुख जी का कहना बिल्कुल सही है, 25 लाख रुपए लगता है जिसमें लाखों रुपए की इनकम, जिसमें लाखों रुपए कमाने का मौका हो। लेकिन आपको बड़ा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एज अ IBC प्लेटिनम, ये नया लॉन्च हुआ है, आप यहाँ पे 99,000 प्लस 18% GST, 1,16,820 रुपए में IBC ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी आपका 75,000 आपका सिक्योरिटी अमाउंट है और इसमें भी पूरा पैसा आपको देना नहीं है। ये पूरा पैसा नहीं देना है आपको। यहाँ पे ऑफर चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है आपको लास्ट में पता चलेगा। आपका यहाँ पे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट लगभग 31,000 रुपए होता है, सिर्फ और सिर्फ 31,000 रुपए, क्योंकि 75,000 रुपीज आपका कोड रिवर्सल होता है जो आपका रिटर्न हो जाता है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे एज IBC प्रो के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। IBC प्रो में आपको 72,000 रुपए प्लस 18% GST, 84,960 रुपए, जिसमें 54,000 रुपए सिक्योरिटी अमाउंट है, मात्र और मात्र लगभग 20,000 रुपए आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। और ये भी अमाउंट जो है वो फाइनल नहीं है, इसके साथ भी कुछ शानदार ऑफर चल रहा है, पूरा का पूरा शानदार ऑफर चल रहा है। क्या शानदार ऑफर है इसको मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। जिस व्यक्ति ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है वो फटाफट आपको ऑफर बताएंगे। और उसके साथ बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर मैं नहीं कर पाया, तो सर मेरे से नहीं हुआ, तो सर आपने तो कर लिया लेकिन अगर मेरे से नहीं हुआ तो भी कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए लेकर आ गए भैया हम मनी बैक गारंटी, लेकर आ गए मनी बैक गारंटी की। अगर आप 100 दिन काम करते हैं, जैसा हमने बताया वैसा करते हैं, जितना हमने बताया उतना करते हैं, और जैसे जैसे हमने बताया वैसे वैसे करते हैं, और 100 दिन लगातार काम करते हैं, और भाई साहब अगर आपकी इनकम स्टार्ट नहीं होती तो 100% पैसा आपका रिटर्न कर दिया जाता है अगर आप मनी बैक गारंटी के तहत आते हैं। 100% पूरा पैसा एक एक करके आपके रिटर्न कर दिया जाता है, लेकिन 100 दिन आपसे काम कराया जाता है। 100 दिन अंशुल जी आपको 100 दिन सिखाया जाता है, 100 दिन काम करवाया जाता है, 100 दिन रगड़वाया जाता है, और सिर्फ एक बार आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं और सालों साल आप यहाँ पे कमाते हैं और ऐसी शानदार इनकम करते हैं। कितने लोगों को क्लियर हो गया? कितने लोगों को क्लियर हो गया भैया IBC मॉडल है क्या? फटाफट टाइप कर दीजिए कितने लोगों को क्लियर हो गया। कुछ लोग होंगे जिनको IBC मॉडल क्लियर हो गया होगा, सर प्लेटिनम में ही, ओके प्लेटिनम में भी कर सकते हैं सर, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम लर्निंग है, लाइफ टाइम अर्निंग है। और उसके साथ साथ ये तो मैंने आपको वो बताया है जिसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपको सिर्फ अभी लर्निंग की हमने बात करी है, उसके साथ साथ भी आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। बहुत सारे लोगों को घूमने फिरने का शौक होगा। कंपनी आपको साल में दो बार टूर देती है, दो बार डोमेस्टिक देती है, एक बार इंटरनेशनल टूर देती है। डोमेस्टिक में अभी हम होकर आए हैं गोवा में, और उसके बाद अभी कंपनी वापस से लेकर के जा रही है, एक महीने बाद पासपोर्ट के लिए आज ही मैसेज आया था, पासपोर्ट ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है और कंपनी हमको लेके जा रही है। ये खूबसूरत जगह जो आपको दिख रही है, कितने लोग हैं जो ऐसी जगह घूमना चाहते हैं, वो भी फ्री में, आना जाना रहना खाना घूमना फिरना सब कुछ फ्री, और उसके साथ साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ फोटो हो जाए, विवेक बिंद्रा जी के साथ सेल्फी हो जाए और विवेक बिंद्रा जी वीडियो बना दें तो कैसा रहेगा? सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और लाइफ टाइम आपको यहाँ पे लर्निंग मिलेगी और लाइफ टाइम आपको यहाँ पे अर्निंग मिलेगी।
ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हुई होंगी आज। सबसे पहले कि कुछ लोग होंगे जिनको आईबीसी मॉडल 50% से कम समझ में आया। कितने लोग हैं जिनको आईबीसी मॉडल 50% से कम समझ में आया? जितने लोगों को आईबीसी मॉडल 50% से कम समझ में आया ना, सर आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आईबीसी मॉडल ज्वाइन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पहले समझना है, सारी चीजें समझनी, पहले ईमानदारी बाद में दुकानदारी। ठीक है, विवेक बिंद्रा जी कहते हैं और हमारा पर्पज यही है राम जी, क्या है? पहले ईमानदारी बाद में दुकानदारी। तो पहले पूरी चीजें समझनी है। अगर नहीं समझ में आया तो फटाफट एक काम करना है, क्या करना है? थैंक यू लिख दीजिए उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने आपको मीटिंग का लिंक दिया। फटाफट व्हाट्सएप में जाइए और थैंक यू लिख दीजिए जिस व्यक्ति ने आपको मीटिंग का लिंक दिया था, मुझे ओके लिख दीजिए अगर आपको नहीं समझ में आया था। ओके 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 ओके, फटाफट थैंक यू लिख दीजिए उस व्यक्ति को व्हाट्सएप में जिस व्यक्ति ने आपको मीटिंग का लिंक दिया। वो आपको अपने मैनेजर से बात करा देंगे, वो अपने आपको कंसल्टेंट से बात करा देंगे, वो आपको वीडियोस भेज देंगे और आपको जो नहीं समझ में आया पूरे तरीके से वो एक एक करके क्या करेंगे, समझा देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीजें क्या होगी? उसके बाद दूसरा ये होगा, कुछ लोग होंगे जिनको आईबीसी मॉडल समझ में आ गया होगा और वो डिसीजन लेने वाले होंगे। क्या करने वाले होंगे? डिसीजन लेने वाले होंगे। कितने लोग हैं जिनको आईबीसी मॉडल समझ में आ गया है और वो डिसीजन लेने के लिए रेडी है? अगर आप डिसीजन लेने के लिए रेडी हैं तो मैं आपको बताऊं, आपके पास शानदार मौका है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से अगले महीने मिलने का। कितने लोग हैं जो अगले महीने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से मिलना चाहते? सर पैसे वाली बात नहीं है, आपको पैसा अभी बिल्कुल नहीं देना है, सबसे पहले समझना है, सबसे पहले क्लियरिटी लेनी है। और ये जो मैंने अमाउंट आपको बताया ये फाइनल अमाउंट नहीं है, इसके साथ अभी बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं। क्या ऑफर चल रहे हैं वो आपको बताएंगे। अच्छा, कितने लोग हैं जो डिसीजन लेना चाहते हैं? जितने भी लोग डिसीजन लेना चाहते हैं ना, फटाफट डी टाइप कर दो उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने आपको मीटिंग का लिंक दिया। फटाफट उस व्यक्ति को, सर राहुल कुमार जी डी मुझे नहीं टाइप करना, जिस व्यक्ति ने आपको मीटिंग का लिंक दिया था उसको डी टाइप कर दीजिए। जल्दी से फटाफट उस व्यक्ति को डी टाइप कर दीजिए जिस व्यक्ति ने आपको मीटिंग का लिंक दिया था, वो आपको बता देंगे कि क्या ऑफर चल रहा है। विनय पटेल जी, अगर आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से मिलना है तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का बर्थडे आ रहा है 5 तारीख को, बर्थडे में आप इन्वाइटेड रहेंगे। कैसे इन्वाइटेड रहेंगे इसको जानने के लिए जिस व्यक्ति ने मीटिंग का लिंक भेजा है उनको फटाफट डी टाइप कर दीजिए और मुझे ओके लिख दीजिए। ओके के साहब जी रेडी हैं, समझ में आ गया है तो फटाफट डी टाइप कर दीजिए उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है। उनसे पूछिए कि कैसे मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बर्थडे पार्टी में जा सकता हूँ, कैसे मैं बिंद्रा जी से मिल सकता हूँ, कैसे मैं बिंद्रा जी के साथ फोटो ले सकता हूँ, सेल्फी ले सकता हूँ, कैसे उनके बर्थडे में इन्वाइटेड हो सकता हूँ, और उसके साथ साथ कैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ मैं गोवा टूर पे जा सकता हूँ या दुबई टूर पे जा सकता हूँ। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी डरने की कोई बात नहीं है, 1,00,000 लोगों को फ्री में सिखाते हैं, आपको भी सिखाएं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, और अगर है तो बहुत अच्छी बात। फटाफट उस व्यक्ति को डी लिख दीजिए, वो आपको बताएंगे कि एक्चुअल प्राइस क्या है बड़ा बिजनेस को शुरुआत करने। तो आपको करना है एक ही काम, जिस व्यक्ति ने मीटिंग का लिंक दिया था उनसे बात करिए, समझिए, अच्छे से समझिए, और अगर समझ लिया है तो डिसीजन लीजिए। डिसीजन लेके शुरुआत करिए। आप सबने जो मुझे सेवा का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आप लेते हैं डिसीजन तो मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट ट्रेनिंग में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप गोवा क्वालिफाई कर सकते। तो आप सबने जो मुझे सेवा का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।